गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सीसीपी का, रिटेल लोन्स, ठीक है, चैप्टर 13। इसमें हम लोग को बेसिक जो है मॉडल्स देखने हैं, बाकी जो है बैंक वाइज जो है स्कीम्स के अपने अपने सर्कुलर्स निकलते हैं, बट मॉडल जो रहता है वो यही रहता है। इसमें रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में हमारा जो है मॉडल हाउसिंग लोन होगा, मॉडल व्हीकल लोन होगा, पर्सनल होगा, पेंशनर होगा, प्रॉपर्टी होगा, हॉलीडे लोन होगा, मॉडल गोल्ड लोन स्कीम होगी, एजुकेशन लोन होगा, रिवर्स मॉर्गेज एंड एन्यूटी, ठीक है। इसके बाद हमारा समअप देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है हम आते हैं, मेन क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये हमको देखना है कि करेक्टर क्या है रिटेल बैंकिंग का, ठीक है, करेक्टरिस्टिक, इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, कॉर्पोरेट बैंकिंग का और रिटेल बैंकिंग का एक कंपैरिजन देखेंगे, रिटेल प्रोडक्ट्स या लोन्स देखेंगे, सिलेंट फीचर्स जो है ना लोन प्रोडक्ट्स का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार पढ़िएगा। कैरेक्टर देखते हैं सीधे, रिटेल बैंक हैज सम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, बैंकिंग फैसिलिटी एंड सर्विस टू द रिटेल सेगमेंट, दैट इज इंडिविजुअल कस्टमर को हम लोग देते हैं। फोकस हम लोग किस में करते हैं, मास मार्केट सेगमेंट, जैसे हमारे यहाँ मास मार्केट मार्केट जो है इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ठीक है। सैलरी होल्डर, हर बैंक जो है रिटेल पे फोकस करती है क्योंकि इसका रीपेमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मोस्टली सैलरीड होल्डर ही, ठीक है। मैक्सिमम जो रिटेल लोन्स होगा उसमें आप देखिएगा 80-90% आपको सैलरी होल्डर मिल जाएंगे, बाकी जितने बिजनेसमैन है वो अपनी बिजनेस से ही सारा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है फोकस ऑन मास मार्केट सेगमेंट। तीसरा क्या होगा, डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट जो होगा एंड सर्विसेज थ्रू फिजिकल एंड वर्चुअल चैनल्स, जो प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है वो इधर हम लोग फिजिकली ब्रांच विजिट करते हैं, कस्टमर अपना इंटेंशन शो करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू प्रोसेस एंड वी हैव टू प्रोसेस द एप्लीकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है। एंड अदर चैनल्स आर द वर्चुअल चैनल्स वेयर द ऑल द एप्लीकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग एंड फाइनली डिसबर्समेंट हैज इज बीइंग मेड बाय द ब्रांच, ठीक है, लाइक ATMs, ऑनलाइन बैंकिंग्स एंड मोबाइल बैंकिंग्स, ठीक है। तो इसमें ये इतने जो हमारे इसके करेक्टर हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का, दो चीज हो सकता है एडवांटेज में, रिटेल बैंकिंग के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तो हो सकता है। तो एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग वो क्या होगा, लार्ज कस्टमर बेस होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसमें हमारा, सबसे ज्यादा कस्टमर होगा क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आप देखें कॉर्पोरेट, ठीक है, या इसको कह सकते हैं LIG ग्रुप, MIG, इसको यहां से शुरू करते हैं, HIG हाई इनकम ग्रुप, MIG मीडियम लो इनकम ग्रुप एंड वीकर सेक्शन, ठीक है। ये जो सेक्टर हमारा है ये HIG है, ये सबसे ज्यादा HIG जो है कितना होगा, 6-7% के आसपास है हाई इनकम वाले, ये वाला जो सेगमेंट हमारा है ये सबसे ज्यादा आसपास में हमारा 25-40% है, ठीक है। और बाकी जो बचा वीकर सेक्शंस, तो अगर इसको भी इंक्लूड करें तो हमारा सबसे ज्यादा नेटवर्क बेस है। तो रिटेल बैंकिंग कहता है कि इसका हाई कस्टमर बेस होता है और लार्ज कस्टमर बेस कैन फैसिलिटेट मास सेलिंग, ठीक है। जब आपके पास सामान होगा और कस्टमर बेस ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, मास सेलिंग होगा, द मार्केटिंग कॉस्ट कैन बी रिकवर्ड इजीली बिकॉज द लार्ज नंबर,
इंक्रीज करना है। नेक्स्ट जो होता है इंक्रीज निम, NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। तो डिपॉजिट रेट्स जो होगा इन रिटेल बैंकिंग आर मच लोअर देन द सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। तो इसमें डिपॉजिट रेट जो है सोर्स ऑफ फंड में बहुत ही कम होता है, लोअर देन द सोर्स ऑफ फंड। ऑन द अदर हैंड रिटेल एसेट्स आर प्राइस्ड हायर देन अदर सेगमेंट, बस रिटेल बैंकिंग हैज द हाइएस्ट नेट मार्जिन निम। और मान लीजिए पर्सनल लोन कोई लेगा 12 से 14% पे है, HL जो है आपको 8.5 से लेके 10% तक है, आपको मॉर्गेज लोन जो है नियर अबाउट 10% है, ठीक है, पेंशन लोन भी नियर अबाउट 10% है। तो इसमें क्या होता है, जबकि हमारा एवरेज कासा का कॉस्टिंग जो आता है वो 5% आता है, कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, हमारे बैंक में 55% कासा है, लगभग 60% है, जो अभी घट के 59 हो गया, चूंकि ये ग्लोबल क्राइसिस है इंडियन मार्केट का, 59% कासा है। हम इसको 5% पे ले रहे हैं, बट हम लेंड कर रहे हैं 12%, 10%, 10% ऑन एन एवरेज 10% पे। तो हमारे खर्चे काटने के बाद भी 3% का लगभग बच जाएगा, 2% अगर हमारा खर्चा भी हो जाता है तो भी बच जाएगा। लेस वोलेटिलिटी होता है, वोलाटाइल नहीं होता है, लेस वोलेटिलिटी, ठीक है। फ्लक्चुएशन इन डिमांड बिकॉज ऑफ क्रेडिट और बिजनेस साइकिल इज लोअर रिटेल बैंकिंग कंपेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर एक्सेप्ट स्ट्रेंड इकोनॉमिक कंडीशन लाइक सब प्राइम क्राइसिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फ्लक्चुएशन लेस वोलेटिलिटी है, द फ्लक्चुएशन इन डिमांड बिकॉज ऑफ द क्रेडिट एंड बिजनेस साइकिल इज लोअर इन रिटेल बैंक। डिस्पर्स क्रेडिट रिस्क, इसमें क्रेडिट रिस्क क्या होता है, डिस्पर्स होता है, रिस्क इन रिटेल बैंकिंग आर स्प्रेड अक्रॉस द लार्ज कस्टमर बेसिस। अब मान लीजिए कि किसी को MSME लोन आप 100 लाख का कर रहे हैं, ठीक है, 100 लाख का MSME लोन कर रहे हैं, और इसी 100 लाख में आपने 4 HL कर दिया, 4 HL 25-25 लाख का कर दिया, तो अगर इसमें रिस्क है, एक बार अकाउंट इसमें स्ट्रेस में गया तो आपका 100 लाख का अकाउंट स्ट्रेस पे जाता है, NPA होगा था 100 लाख का, बट HL जो है हमने 4 किए हैं, हो सकता है इसमें कोई एक जाए बाकी 3 आपका स्टैंडर्ड रहे, तो यहाँ पे रिस्क जो है स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, द कस्टमर बेस इज कैरेक्टराइज बाई स्टेबल इनकम सैलरीड क्लास, मोस्टली यही होता है, दे ट्रीजर द ओनरशिप ऑफ हाउस व्हीकल वाइट गुड्स ETC एंड डू नॉट डिफॉल्ट मच, वो ज्यादा डिफॉल्ट नहीं करते। ऑल्सो लार्ज नंबर कस्टमर बेस इम्प्लाइज दैट द लोन अमाउंट पर कस्टमर इज वेरी स्मॉल, मैंने जैसे आपको बताया 1 करोड़ का आप MSME करिए, बट 1 करोड़ में 4 आप ये कर लीजिए, क्या नाम है, हाउसिंग कर लीजिए, दस डिफॉल्ट डज नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस शीट एज इन केस ऑफ कॉर्पोरेट। रिटेल कस्टमर जो होता है, रिटेल कस्टमर डू नॉट मूव टू अनदर बैंक इजिली, देखिएगा आप एक कोई बंधन है, हाउसिंग लोन ले लीजिए, व्हीकल लोन ले लीजिए, तो ये बंदा आपके साथ 30 इयर्स तक और ये बंदा आपके साथ 7 इयर्स तक मिनिमम रहता है, मोस्टली इजिली स्विफ्ट नहीं होता, ठीक है। एक्सेस एंड डिग्री सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन इन वन रीजन, द इंसेंटिव टू मूव आर ऑल्सो नॉट लार्ज एज इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में इंसेंटिव भी है। लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट कैन फैसिलिटेट मार्केटिंग मास सेलिंग एंड द एबिलिटी टू कैटेगराइज सेलेक्ट क्लाइंट्स यूजिंग स्कोरिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। ठीक, डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो रिटेल बैंकिंग का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT पर डिपेंडेंट ज्यादा है, द एक्टिविटी ऑफ रिटेल बैंक आर लार्जली डिपेंड ऑन IT, इफ द IT सिस्टम आर नॉट अप टू द मार्क देन द बैंक फेसेस इशू इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है। Also, rapid development of product can be cause complications in systems. Default, देखिए
इसमें क्या है, हाउसिंग लोन देखे होंगे आप, हाउसिंग लोन में रिकवरी बहुत बढ़िया आती है, ठीक है, रिटेल बैंकिंग, लेकिन क्या है, रिटेल बैंकिंग एक्सपीरियंसिंग हाई रेट ऑफ डिफॉल्ट इन सम अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। रिटेल लोन क्रेडिट कार्ड भी आता है, क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट बहुत होता है, ठीक है, या पर्सनल लोन में भी कभी कभी डिफॉल्ट होता है, ठीक, कॉस्टिंग हाई होती है, हायर कॉस्ट हैव टू बी इनकर्ड व्हाइल हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस एंड मेंटेनिंग हाई नंबर ऑफ ब्रांच नेटवर्क्स। ठीक है, आप 1 करोड़ का लोन है, आपको जितना आपको कॉस्टिंग लगेगा, सिर्फ एक अकाउंट पर लगेगा, बस इसी करोड़ में आपने 4 का लोन कर दिया, तो यहाँ पे कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि 4 अकाउंट हो गए, तो आपका जो भी है, जो आपको CVS प्रोवाइड कर रहा है, वो एक एक अकाउंट के पैसे अलग से लेता है, उसकी मेंटेनेंस, उसका सब कुछ अलग से लेता है। बैंक रन ऑल्दो रेयर लॉस ऑफ फेथ इन पार्टिकुलर बैंक कैन लीड टू सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट रिजल्टिंग इन ए रन ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक विद द लार्ज रिटेल बेस इज ससेप्टेबल टू रन द कस्टमर लूज फेथ इन सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक। मेनी ऑफ द रिसेशन इन यूनाइटेड स्टेट हैव बीन एविटेड। ठीक है, तो ये मेन चीज हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स, अब हमको देखना है कि प्रोडक्ट्स कौन कौन है रिटेल बैंकिंग में। देखिए, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू लायबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड एसेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज। सारे रिटेल बैंकिंग में ही आते हैं, MSME अलग है। तो लायबिलिटी साइड में हमारा क्या क्या आ गया फ्रेंड्स, लायबिलिटी कौन सा है जो कस्टमर ने हमें दिया, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, TD, ठीक है, तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया। हमारा एसेट्स क्या हो गया, जो हमने लोन दिया, तो हमने जो लोन दिया HL, BL, पर्सनल लोन, पर्सनल डिमांड लोन, ठीक है, मॉर्गेज लोन, अदर मॉर्गेज लोन, ये सब क्या है हमारा एसेट्स हो गया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड अदर अदर प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा, प्योर द प्रोडक्ट हम लोग क्रेडिट कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं, ATM कार्ड्स देते हैं, टेलीफोन बैंकिंग, INB, मोबाइल बैंकिंग, डिपोजिटरी सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड प्रोडक्ट, लाइफ, नॉन लाइफ पॉलिसी, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइंस, द यूनिट डिस्कस द सेल एंड फ्यूचर ऑफ सम। ठीक है, तो ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, 3 टाइप के प्रोडक्ट हो गए फ्रेंड्स, लाइबिलिटी साइड, एसेट्स एंड अदर्स। ठीक है, लाइबिलिटी में हो गया कासा एंड TD, ठीक है, रिटेल प्रोडक्ट में HL, VL, PDL, अदर्स में हमारा INB, नेट बैंकिंग, सब कुछ। ठीक है, लोन टाइप कौन कौन सा हो सकता है, लोन टाइप्स क्या क्या होगा, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज ऑफ हाउस, हाउस प्लॉट, रिनोवेशन ऑफ ओल्ड हाउसेस, ठीक है, ये HL के रूप में आ गया। हाउसिंग लोन व्हीकल लोन में आता है, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, VL, पर्सनल लोन, PL, ठीक है, लोन फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस सच एज मैरिज एंड फैमिली, मेडिकल एक्सपेंसेस, लीजर, ट्रेवल्स, एजुकेशन लोन पढ़ाई के लिए, ये इतने हमारे लोन टाइप्स हो गए। टारगेट कस्टमर्स कौन कौन होंगे, टारगेट कस्टमर हमारा होगा आर इंडिविजुअल, ज्वाइंट बोरोवर, HL के केस में भी होता है, बोरोवर एंड को बोरोवर, HL1, बोरोवर एंड को बोरोवर, ठीक है, एम्प्लॉई ऑफ प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज, NRIs, HUFs, ट्रस्ट, एसोसिएशंस। रिटेल बैंकिंग लोन जो होता है सॉरी वो क्या है, वॉल्यूम ड्रिवन होता है एंड फीचर रिलेटेड टू हु विल क्वालिफाई एंड हु विल नॉट डिटरमिन। ठीक है, इसमें क्या है, स्कोर बेस असेसमेंट होता है, हम लोग हमेशा रैंक चेक करते हैं, रैंक क्या है, अप्रोच टू द रिटेल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द लोन ऑफ कॉर्पोरेट वेयर द कॉर्पोरेट अप्रेजर एक्सरसाइज प्रीसीड्स डिसीजन टू लेंड। इन केस ऑफ पर्सनल लोन सर्टेन क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड एंड बोरोवर मस्ट फिट और ही डज नॉट क्वालिफाई विद द लोन। स्कोर शीट हम लोग बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट इज प्रिपेयर्ड एंड यूजुअली आइटम्स आर चेक्ड अप टू सी इफ द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर क्वालिफाई और नॉट इन एडिशन टू KYC नोड्स। क्वांटम ऑफ लोन क्या दे सकते हैं, देखिए क्वांटम ऑफ लोन जो है आइदर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट है और टू इनकम ऑफ इंडिविजुअल।
मोस्टली जो है द क्वांटम ही एक्सप्रेस 12 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम इन केस ऑफ लोन फॉर पर्सनल एक्सपेंस। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ले रहा है तो 12 गुना से ज़्यादा नहीं होगा। 4 टाइम्स ले रहा है द एनुअल इनकम इन केस ऑफ व्हीकल्स, 40 to 80 टाइम्स ऑफ द मंथली इनकम फॉर द पर्पज ऑफ हाउसिंग। दीज मल्टीपल्स कुड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। ठीक है, तो कहीं कहीं है एनुअल इनकम इन केस ऑफ व्हीकल्स 40 to 60 टाइम्स इन पर्पज ऑफ हाउसिंग। ठीक है, मार्जिन क्या होगा 15% से 30% तक, टाइप ऑफ स्कीम के बराबर। मान लीजिए 10% भी होता है एचएल में, जहाँ प्रायोरिटी सेक्टर 30 लाख तक का आपका लोन है प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, तो 10% से लेकर 30% तक कह सकते हैं। आरओआई क्या होगा, रेट्स आर जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, द टीजर रेट इज लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ लोन विथ राइडर, द रेट विल बी इंक्रीज आफ्टर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। इन सच केसेस ईएमआई विल चेंज फ्रॉम ईयर व्हेन द रेट्स गेट्स चेंज। बैंक में ऑल्सो इंक्रीज द रेट इफ देयर इज डिफॉल्ट। नॉर्मली बैंक स्पेसिफाई पेनल इंटरेस्ट प्रोविजन फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, रिपेमेंट क्या होगा, यहाँ पर 3 to 20 years दिया है। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन इट विल बी 30 years। 3 years हो गया आपको पर्सनल लोन, सॉरी पेंशन लोन मैक्सिमम। ठीक है, पेंशन लोन 20 years, 7 years आपको व्हीकल लोन। ठीक है, 10 years का टर्म लोन या मॉर्गेज लोन। ठीक है, उसके ऊपर 30 years का एचएल। ऑटो लोन जो है 5 to 7 years मैंने बोला, यहाँ 20 दिया है, ये 30 years है। इन सम केसेस 25 to 30 years। ठीक है, इन ऑर्डर द लोन डज नॉट रिजल्ट डिफिकल्टी इन लाइफ स्टाइल ऑफ द बैंक इंसिस्ट द बोरोवर फ्रॉम द सैलरीड क्लास। ज्यादातर हम लोग सैलरीड क्लास को देते हैं। देयर शुड बी मिनिमम नेट टेक होम पे आफ्टर द ऑल डिडक्शन इंक्लूडिंग द लोन रिपेमेंट इज मेड। देखिए, जैसे 100 रुपया है तो हम लोग एक रफली लेके चलते हैं कि उसका 60 रुपया तक हम लोग ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिपेमेंट एंड रेस्ट 40% विल बी फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो दिस इंश्योर द पीपल डिज नॉट रिसोर्ट टू एक्सक्लूसिव बोरोइंग पेनल्टी इफ एनी द प्रीपेमेंट शुड बी क्लियरली स्पेल्ड आउट इन टर्म्स ऑफ फेयर प्रैक्टिस को। ठीक है, तो हमारे यहाँ एचएल में जो है नो प्रीपेमेंट चार्जेज है, वीएल में भी जो है नो प्रीपेमेंट चार्जेज है, बाकी बट कहीं कहीं जो है वो चार्जेज लेते हैं। प्रोसेसिंग एंड अदर चार्जेस ये बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोसेसिंग चार्जेज, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, मॉर्गेज चार्जेज, एनी अदर इंसिडेंटल चार्जेज, रिन्यूअल। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी ट्रांसपेरेंटली मेंशन्ड इन द स्कीम एंड एक्सप्लेन टू द एप्लीकेंट। ड्यू डिलीजेंस जो होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर रिटेल लोन्स। ठीक है, द बैंक हैव ऑल्सो टेकन एग्रेसिवली मार्केट ऑफ रिटेल लोन्स एंड ड्यू डिलीजेंस ऑफ एप्लीकेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हम लोग भी ड्यू डिलीजेंस कराते हैं एक्सटर्नल ईडीडी, एक्सटर्नल ड्यू डिलीजेंस और इंटरनल ड्यू डिलीजेंस बाय द बीएम। ठीक है, इसका एक चार्ट है इंटरनल ड्यू डिलीजेंस का, उसके हिसाब से उसका ड्यू डिलीजेंस करवाते हैं। डिटेल टू बी वेरीफाइड जो हमको करना है इसमें है, एट द एंड ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द बैंक मस्ट बी एबल टू एस्टेब्लिश दैट द पर्टिकुलर फर्निश्ड आर ऑथेंटिक एंड एप्लीकेंट क्वालिफाई फॉर द लोन। ठीक है, पहला का केवाईसी करना है, वेरिफिकेशन, उसका पैन नंबर फ्रॉम आईटी वेबसाइट। ये जब ईडीडी हम लोग करते हैं तो वो सब करके देता है, ये वाला क्रेडिट रिपोर्ट जब हम अपने प्रोसेस एलएलएमएस में डालते हैं लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम में, वहाँ से निकलता है। हाउस विजिट करना है, ये बीएम या एबीएम का वर्क है। टेलीफोनिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग प्रोसेस बीएम या एबीएम। वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हमारे यहाँ बीएम मैंडेटरी है। ठीक है, बीएम मैंडेटरी है। टाइटल इन्वेस्टिगेशन लीगल होता है, लीगल सर्च रिपोर्ट प्लस हमें बीएम प्लस हमारा आरएसी, रीजनल अप्रूवल कमेटी है, सैंक्शन एट द ब्रांच लेवल बट मस्ट बी रिव्यूड एंड अप्रूव बाय द रीजनल अप्रूवल कमेटी हायर्ड बाय सीएम ओनली इन आवर बैंक। ठीक है, वैल्यूएशन बाय द वैल्यूअर। ठीक, वेटिंग जो होगा वो लीगल एडवाइजर अप टू फाइव करोड़, इम्पैनल वैल्यूअर, इम्पैनल लॉयर एंड ग्रेटर देन 5 करोड़ बैंक ओन लॉयर, बैंक लॉयर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लोन इशू इन रिटेल सेगमेंट। प्रोसेस लोन सेगमेंट में कोई इशू है
देखिए स्कोर कार्ड अप्रेजल, टिपिकली स्कोर कार्ड इज यूज ओनली फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। हियर द बैंक वुड हैव असाइंड मार्क्स एंड वेट फॉर द डिजिटल अबाउट द एप्लीकेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक हाउसिंग लोन है, होम लोन, विल बी आस्क इफ ही इज एम्प्लॉयड, इफ हिज स्पाउस इज एम्प्लॉयड डज नॉट हैव अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट, इफ हिज मिडिल एज हैज द मनी टू मीट द मार्जिन और डाउन पेमेंट कमिटमेंट डिटेल्स ही हैविंग पैन कार्ड। ठीक है, आधार एंड फोन में ऑल्सो बी क्वेरीड। ये सब हम लोग करते हैं स्कोर कार्ड अप्रेजल में। इन अराइविंग एट द मार्क्स बींग द एम्प्लॉयमेंट एंड एबल टू मीट डाउन द पेमेंट कुड बी कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर। मान लीजिए कि कोई एप्लीकेंट है, फॉर ऑल दिस ही स्कोर्स 80 मार्क्स, 10 मार्क्स फॉर इस क्वेश्चन एंड 20 फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स फॉर पैन एंड आधार। इफ द मिनिमम 60 ही विल एलिजिबल फॉर लोन, फॉर फर्दर प्रोसेस विल टेकन अप। इफ द एप्लीकेंट स्कोर्स 40, इसका जो है हम लोग एक थ्रेशोल्ड बना हुआ है कि 40 तक 50 तक हर बैंक वाइज है कितना करना है। हमारे यहाँ CBI 1 से लेके CBI 10 तक है, ठीक है, CBI 10, ठीक है, तो हम लोग CBI 6 तक का लोन करते हैं। मीन 60% अगर वो क्वालिफाई करता है तो हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं करते हैं। देखिए नॉर्मली द बैंक एडवाइज द कस्टमर इफ हर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड और नॉट फाउंड एलिजिबल। बैंक जो है स्कोर कार्ड यूज करता है। देयर कुड बी एक्सेप्शन वेयर द कस्टमर कुड कंसीडर फॉर लोन ड्यू टू अदर रीजंस और दैट द पर्सन कुड कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन डिड नॉट गुड जॉब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है ड्यू डिलीजेंस का, वेर इन द एप्लीकेंट डिटेल आर थॉरली वेरीफाइड। इन केस ऑफ हाउसिंग लोन द बैंक वुड लाइक टू नो द प्रॉपर्टी डेवलपर हैज मार्केट स्टैंडिंग रजिस्टर्ड विद रेरा एंड इज प्रॉम्प्ट डिलीवरी इटीज। बैंक जो है प्री अप्रूव क्या करता है, टाई अप करता है प्री अप्रूव प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ व्हीकल लोन इनवॉइस इज कलेक्टेड एंड केस एजुकेशन एडमिशन फी वेरीफाई करना है। देखिए आफ्टर दिस एप्लीकेशन विद द रिकमेंडेशन इज पास्ड ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सम बैंक डू नॉट हैव रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को भेजना है। द बैंक नाउ टेक एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाई डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग होता है, हर बैंक ने अपना डेटा माइनिंग के लिए IT ऑफिसर्स को इन्वॉल्व कर रखा है। द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेरीफाई द एप्लीकेशन और सेट अप प्रपोजल विद द रेफरेंस टू द एबिलिटी ऑफ एक्सपोजर प्रायोरिटी ऑफ डिस्टेंस डिफॉल्ट ऑफ। ठीक है, देन क्या होता है एप्लीकेशन मूव टू बैक ऑफिस हु वेरीफाई द प्रोसेस आर क्लियर एंड कैरी। हमारे वही बैक ऑफिस मतलब RAC डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी क्रिएशन। आफ्टर द ब्रांच और रिलेशनशिप मैनेजर और डिलीवरी यूनिट इज आस्क्ड टू डिस्बर्स द लोन। इन दिस मेथड देयर इज एडवांटेज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल एट द टाइम ऑफ इनिशियल सिक्योरिटी एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ साइन बैक ऑफ द ऑफिस वर्क। अब ये जो है द अबव स्टेप्स मे अपीयर लॉन्ग बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस एक्सपेडाइट देयर आर बैंक हु प्रॉमिस होम लोन विद इन 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन। द स्कोर कार्ड मेथड हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस। देखिए रिकवरी जो होती है इसमें EMI के रूप में होती है एंड एम्प्लॉयर आर ऑफन ऑपरेट टू डिडक्ट द सेम फ्रॉम द सैलरी एंड पेड टू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट टू EMI इज ऑल्सो पॉसिबल। रिस्क क्या क्या है देखिए, इन व्यू ऑफ ईज ऑफ डिलीवरी एंड स्कोर कार्ड बेस्ड सैंक्शन अनस्क्रूपलस कस्टमर कैन टेक द एडवांटेज। बैंक हैज टू बी केयरफुल इन ड्यू डिलीजेंस। KYC शुड नॉट बी डन बाई थर्ड पार्टी एजेंट्स। ठीक है, KYC should not be relaxed. Also, whenever there is a dispute about the details, bank should take extra care. तो बैंक इम्प्लाई जो है हम लोग क्या करते हैं LLMS के थ्रू ही उसको सारा वेरीफाई करते हैं, लिंकिंग रहता है प्रोडक्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है ये कुछ मॉडल्स प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस अभी एक हाउसिंग लोन देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हाउसिंग लोन मॉडल लोन देखिए एलिजिबल कौन कौन सा हो सकता है। सैलरीड, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इसमें क्या है NRI अगर है ऑल्सो कंसिडर फ्रॉम NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, HUF, प्रोपराइटरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट देयर रिक्वेस्ट आर ऑल्सो कंसिडर कर सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग यहाँ करते हैं। किस लिए कर सकते हैं, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, रिनोवेशन के लिए, प्लॉट परचेज किया प्लस कंस्ट्रक्शन किया, एक्वायरिंग हाउसिंग होल्ड,
आर्टिकल फॉर फर्निशिंग ऑफ फ्लैट, क्वांटम ऑफ लोन क्या हो सकता है फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए 300 लाख्स, 500 लाख्स इन मेजर सिटीज मुंबई चेन्नई, ठीक है, रिपेयर रिनोवेशन एक्सटेंशन के लिए 50 लाख तक, प्लॉट के लिए 100 लाख्स तक, एक्वायर हाउस होल्ड फर्नीचर्स के लिए 5 लाख्स मैक्सिमम हो गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, ये वेरी कर सकता है, वेरीज बैंक वाइज, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम ऑफ लोन इज रिलेटेड टू इनकम एंड रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ प्रोपोनेंट बोरोवर सैलरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एचयूएफ सिग्मा एलिजिबल कैसे होगा, यहाँ देखिए 72 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली सैलरी और 6 टाइम्स ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ आई टी रिटर्न, 6 टाइम्स ऑफ एनुअल ग्रॉस रिटर्न आई टी रिटर्न, एचयूएफ के केसेज में 6 टाइम्स ऑफ कैश अक्रूअल, कैश अक्रूअल होता है पैट प्लस डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन जो उसके बैलेंस शीट में होगा वो। इन केस ऑफ इंडिविजुअल अगर होता है तो नेट टेक होम पे जो है वो शुड नॉट बी लेस देन 40%, जैसे मैंने आपको कहा कि 60% तक हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म डीएसआर शुड बी मिनिमम 1.5। मार्जिन क्या हो सकता है 30 लाख तक 10%, 75-20 और 75 से ऊपर 25। CRERH हो गया नॉट अप्लीकेबल है, देखिए मार्जिन जो सब्जेक्ट टू द आरबीआई स्टिपुलेटेड एलटीवी ऑफ मैक्स 90% लोन 30 लाख्स, 80% लोन 30 लाख्स टू 75 लाख्स, 75% लोन अप टू 75 लाख्स। आरओआई क्या है, ये क्या बैंक के ऊपर डिपेंड है, हमारे यहाँ आरबीएलआर है माइनस कुछ है, ठीक है, तो हमारे यहाँ 8.35 से शुरू होता है तो 10% तक जाता है। प्रोसेसिंग चार्ज बैंक टू बैंक वेरी करता है। सिक्योरिटी में क्या होगा, जो आपका लैंड है या फ्लैट है या हाउस है वो मॉर्गेज होगा। थर्ड पार्टी गारंटी जो है इन केस ऑफ हमारा नॉन सैलरीड होता है तो हम लोग लेते हैं, ठीक है। डिसबर्समेंट रेडी टू मूव के लिए वन शॉट रेडी टू मूव, ठीक है, या आप रीसेल में ले रहे हैं तो। क्लोजली लिंक जो है स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में तो फेज वाइज आपको डिसबर्समेंट है। अप फ्रंट डिसबर्सल शुड नॉट बी मेड इन केस ऑफ इनकम्प्लीट अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीन। रिपेमेंट जो है इसमें मैक्सिमम वही है 20 साल लिखा है, बस किसी किसी केस में 30 इयर्स भी लिखा है और सैलरीड के केस में अटेनिंग 65 इयर्स, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है, इसमें फ्री एक्सीडेंटल कवर, ये बैंक वाइज है सब में नहीं है, एज पर टर्म्स एंड पॉलिसीज ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर हाउसिंग लोन बोरोवर्स एट अफोर्डेबल प्रीमियम रिस्क फॉर देयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लोन अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एंड टाई अप विद द स्टार यूनियन दाइची इंश्योरेंस लोन फर्निशिंग द हाउस एट रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल, ठीक है। अदर फीचर्स क्या है, इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, ये सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में आपको मिलेगा फ्रेंड्स, आप एक बार प्राइवेट बैंक से देखिएगा नहीं मिलेगा वहाँ। नो प्रीपेमेंट चार्जेज, रिपेमेंट अलाउड अप टू 70 इयर्स, फैसिलिटी टू स्टेप डाउन EMI, इंक्लूजन ऑफ नोशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड हाउसिंग, इनकम क्लोज रिलेटिव ले सकते हैं इनहेंस लोन के लिए, टैक्स बेनिफिट है इसमें 100% लोन जो है रिस्पेक्टिव स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन और बिज लोन, इंटरेस्ट सबवेंशन और फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट करने। इंश्योरेंस क्या है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फॉर बोरोवर कवरिंग एक्सीडेंटल डेथ एज वेल एज द परमानेंट डिसेबिलिटी एज पर द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग लोन आउटस्टैंडिंग एज द डेट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। ये यही चीज था जो उसमें था, स्टाम्प ड्यूटी ये सब आप ऐड कर सकता है बैंक, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन चार्ज एट द कॉस्ट ऑफ हाउस, LTV रेशियो वेयर द कॉस्ट ऑफ हाउस ड्वेलिंग यूनिट डज नॉट एग्जिस्ट 10 लाख, 10 लाख से अगर नीचे है तो आप ये चीज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हीकल लोन, इसको फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, तब तक के लिए आपको चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, थैंक्स।